नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू आई। इसमें हम जियोग्राफी देख रहे थे। जियोग्राफी में वायु दाब टॉपिक चल रहा है। वायु दाब का जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अक्षांश के अकॉर्डिंग और वर्टिकल की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के साथ ही कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वायु दाब को, उसी को देखेंगे हम। तो देखिए, टॉपिक है वायु दाब का वितरण। इसमें दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है वायु दाब का। एक चलेंगे आप ऊंचाई के अनुसार वितरण, और दूसरा चलेंगे अक्षांश के अकॉर्डिंग, अक्षांश अर्थात क्षितिज। वायु दाब का क्या होता है? अगर आप ऊंचाई पे जाएंगे तो वायु दाब कैसी होगी? अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वायु दाब कैसी होगी? इसी को देखना है, वायु दाब का वितरण। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है किसी भी चीज का। तो यहाँ पे किस चीज का बात कर रहे हैं? वायु दाब का डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले देख लेते हैं ऊंचाई के अनुसार वायु दाब का वितरण किस तरीके से है। तो देखिए, ऊंचाई के अनुसार वायु दाब का वितरण, क्षोभ मंडल है, वायुमंडल की प्रथम परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में वायु दाब क्या होता है? कम हो जाता है। ऊंचाई के साथ ही वायु दाब कम हो जाता है। जो वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक है उसमें एक कारक है ऊंचाई भी। तो ऊंचाई के अनुसार क्षोभ मंडल में, जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल में जाएंगे तो वायु दाब कम हो जाता है। तो क्षोभ मंडल पे अगर आप एवरेज बनाएंगे 300 मीटर पे वायु दाब 34 मिलीबार कम हो जाता है। क्या बोलेंगे? अगर आप 300 मीटर के हाइट पर चले जाए, ऊंचाई पर चले जाए, तो वायु दाब कितना कम हो जाएगा? 34 मिलीबार कम हो जाता है। इसका मतलब हर 300 मीटर पे 34 मिलीबार कम होगा, हर 300 मीटर पे 34 मिलीबार कम हो जाएगा वायु दाब। कहाँ पे कम होगा? क्षोभ मंडल में कम होगा। इसके बाद बोलेंगे समुद्र तल पे वायु दाब कितना होता है? मैंने आपको लिखवाया पहले से 213 मिलीबार। समुद्र तल पे वायु दाब कितना हो जाता है? 213 मिलीबार। अगर 17 किलोमीटर की ऊंचाई पे आप चले जाएं, कितना जाना है आपको? 17 किलोमीटर की ऊंचाई पे, तो मिलीबार मात्र 100 रह जाते हैं। अब एक बार डायग्राम से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ऊंचाई के अनुसार किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मान लेते हैं कोई ऊंचाई है, धीरे धीरे आप ऊंचे स्थल की ओर, समुद्र तल है, शीत लेन है एक, और यहां से ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब करना क्या है, यहां पे दिखाना है समुद्र तल पे 213 मिलीबार वायु दाब है, 17 किलोमीटर की ऊंचाई पे 100 मिलीबार हो जाता है। देखिए यहां पे क्या है, जो वायु दाब रहता है वह एक स्तंभ के रूप में रहता है, वायु का स्तंभ। तो वायु का स्तंभ, यहां पे वायु का स्तंभ क्या है? अधिक है। इस पोर्शन को देखिए, वायु का स्तंभ कम है यहां पे। और वायु दाब हमेशा क्या रहता है? वायु दाब जो रहता है वायु का स्तंभ है। वायु स्तंभ इक्वल वायु दाब। जहां भी वायु का स्तंभ अधिक रहेगा, वायु दाब अधिक रहेगा, समुद्र तल पे दिखाई दे रहा है हमें कि वायु का स्तंभ क्या है? अधिक ऊंचा है। वायु का स्तंभ अधिक ऊंचा रहेगा, वायु दाब अधिक रहेंगे। वायु का स्तंभ क्या है? कम होते जा रहे हैं, तो वायु दाब कम होते जाएंगे। धीरे धीरे स्तंभ की ऊंचाई लगातार क्या हो रही है? इस पोर्शन से इस पोर्शन की ओर कम हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, ऊंचाई और वायु दाब उल्टा करना है दोनों के बीच का रिलेशन। अर्थात जब वायु दाब अधिक रहेगा तो ऊंचाई कम रहेगी, जब अधिक ऊंचाई रहेगा तो वायु दाब कम हो जाएगी। ऊंचाई और वायु दाब के बीच में एक विलोम का रिलेशन दिखाई देता है। और एक कुछ फैक्ट है लिखना पड़ेगा, तो ऐसा किस कारण से हो रहा है? क्या कारण है कि वायु दाब जो है आपके नीचे में, नीचे वाली परत है जो वायुमंडल की, उसमें अधिक रहते हैं? तो कुछ कारण है। क्षोभ मंडल में अगर वायु दाब अधिक है नीचे में, तो क्यों है? कुछ कारण देख लेते हैं इसका।
देखिए कुछ कारण क्या है। सबसे पहले बोलेंगे कि ऊपर की वायु निचली वायु पे दबाव डालती है। कारण, रीजन, जो ऊपर वाली परत है वायु की वो नीचे वाली परत पे क्या करती है, दबाव डालती है, ऊपरी वायु की परत, और ये निचला वायु की परत। तो ये वाला क्या कर रहा है, ऊपर वाला परत नीचे पे दबाव डाल रहा है, नीचे वाली परत जो है वो कंप्रेस हो जाती है। क्या बोलेंगे, कंप्रेस हो जाती है, अर्थात संपीड़ित हो जाती है, कंप्रेस हो गई। जब वायु कंप्रेस होती है तो क्या हो जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है। पहला कारण बोलना है कि ऊपर की वायु या ऊपरी वायु की परत निचली वायु की परत पे एक दबाव डालती है, इस दबाव के कारण नीचे की जो वायु है वो कंप्रेस हो जाती है। वायु जैसे कंप्रेस होती है वायु दाब अधिक हो जाता है, फर्स्ट कारण। सेकंड कारण में क्या बोलना है कि निचली परत जो रहती है, देखिए दो परत होगा, एक ऊपरी और एक निचली परत वायु की, तो जो ऊपर की परत है इसमें हल्की गैस होती है और निचली परत में क्या बोलेंगे, तो निचली परत में भारी गैसें होती है। अर्थात वायुमंडल में जो भी नीचे रहता है गैस वो भारी गैस होती है, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन भारी गैस है, और हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन हीलियम हल्की गैस है तो ऊपर रहेगी। जो ऊपरी परत रहती है उसमें हल्की गैस, नीचे वाली परत में भारी गैस, और भारी गैस होने के कारण निचली परत में क्या रहता है, वायु दाब अधिक रहता है। थर्ड में क्या बोलना है, ये तो दो फैक्टर हो गए। थर्ड में बोलना है कि जो निचली वायु रहती है, निचली वायु या परत, इस पे क्या रखता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक रहता है और इसे वायु दाब क्या रहता है, अधिक। लेकिन निचली परत पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक रहता है तो भार अधिक हो जाता है, अर्थात वायु दाब अधिक हो जाता है। इसी कारण से निचली परत में वायु दाब अधिक है। तो वायु दाब निचली परत में अधिक होने के तीन कारण है। बोलना है वायु नीचे कंप्रेस होती है, नीचे में भारी वायु होती है, नीचे वाली परत जो वो वायु की रहती है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है। ये तीन मेजर फैक्टर हैं। तो ये है आपका वायु दाब का वितरण किस अनुसार है, तो ऊंचाई के अनुसार है। आप जैसे जैसे वायुमंडल छोड़ देंगे तो वायु दाब भी शून्य हो जाता है। वायुमंडल में आप 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो मात्र 100 मिलीबार रह जाता है, और 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएंगे तो वायु दाब कितना रहता है, जो समुद्र तल पर 10-13 मिलीबार है, इसका भी आधा हो जाता है, हाफ कर देंगे। अर्थात अगर आप माउंट एवरेस्ट पर जा रहे हैं, मान लेता हूँ माउंट एवरेस्ट है ये ऊंचा पर्वत है, यहाँ पे अगर आप चल जाएंगे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, 8,848 मीटर है, ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर है, यहाँ पे आपको वायु दाब नहीं मिलेगा, ना के बराबर है। तो वायु दाब कम होने के कारण क्या रहता है कि ऑक्सीजन का दर बढ़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो यही है, वो तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। फिलहाल एक समझना है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चले जाए या रॉकी जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत पर चले जाएंगे तो वहाँ वायु बहुत ही विरल हो जाएगी, इसलिए आपको सपोर्ट में एक सिलेंडर लेके जाना होता है ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि शरीर के अंदर का जो ब्लड रहता है उसका प्रेशर अधिक रहेगा, बाहर में प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड नाक से क्या है ब्लड निकलने लगते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है अक्षांश वितरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्षांश के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वायु दाब का। देखिए अक्षांश होता है क्या है, जो ये पृथ्वी है उसके पैलर में आप एक लाइन खींचते चलिए, अक्षांश रेखाएं हैं ऐसे करके 179 रेखाएं होती है। एक ऐसी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांट दे वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिण गोलार्ध है। तो अगर आप अक्षांश में जा रहे हैं, पैलर में चल रहे हैं, जैसे अभी आप मान लेता हूँ इंडिया में है, इंडिया किसी स्टेट में है, धीरे धीरे या तो आप यूरोप की ओर चलिए या तो फिर आप अंटार्कटिका की ओर चलिए, अर्थात यूरोप से होते हुए आप पहुंच जाएंगे उत्तरी ध्रुव, या भारत से होते हुए आप चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होते हुए अंटार्कटिका की ओर। तो जा कैसे रहे हैं आप, ऐसे जा रहे हैं अक्षांश के अकॉर्डिंग।
धीरे धीरे ऊपर, जैसे जैसे ऊपर और दक्षिण जाएंगे तो क्या बोलेंगे आप कि अक्षांश के अकॉर्डिंग हम उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। तो अक्षांश के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है वायु दाब का? देखिए वायु दाब अक्षांश के अकॉर्डिंग जो है दो तरीके से है, बोला इसमें भी दो प्रकार है। कौन कौन से दो प्रकार है? एक तो ताप के कारण है, दूसरा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वायु दाब का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अक्षांश के अकॉर्डिंग किस तरीके से है? बोला एक ताप के कारण है, दूसरा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण डिस्ट्रीब्यूशन होता है वायु दाब का। किस तरीके से है? तो कुल मिला के सात तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है वायु दाब का अक्षांश के अकॉर्डिंग। एक डायग्राम बनाना है पृथ्वी का, इसे करिए भूमध्य रेखा 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। पहले इसे समझ लीजिए फिर बाद में देखना आपको। ये वाला एक बेल्ट है, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में एक बेल्ट बनेगा ऐसे करके। इसे बोलेंगे आप शांत भूमध्य रेखा की शांत पेटी, भूमध्य रेखा की शांत पेटी या डोल्ड्रम। पहला नंबर पे सात पेटी बनाना है, टोटल मिला के सात पेटी। बेल्ट या क्षेत्र या जोन, जो बोलिए, प्रदेश हो, जोन हो, एरिया हो, बेल्ट हो, जियोग्राफी में एक ही टर्म का इस्तेमाल होता है। जियोग्राफी का मतलब भू है, भूमि। इतना भूमि मतलब 0 से 5 डिग्री वाली भूमि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में, ये पूरा यहाँ पे शांत पेटी है भूमध्य रेखा की, डोल्ड्रम। वायु दाब कम होता है इस पेटी में, कम वायु दाब। एक पेटी हो गया, पहला नंबर पेटी क्या बना बोलेंगे, डोल्ड्रम वाला एक क्षेत्र है। डोल्ड्रम क्या है? यहाँ पे वायु नहीं चलते हैं। जब भी शांत पेटी आता है तो आपको नोटिस करना है कि वायु जो है, वायु कैसे चलती है, या तो पूर्व की ओर चलेगी या तो पश्चिम की ओर चलती है। यहाँ वायु ना तो पूर्व चलेगी ना तो पश्चिम चलेगी, वायु सीधी सीधी ऊर्ध्वाधर जाती है, एयर करंट बनता है यहाँ पे, कन्वेक्शन जोन। वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं इसी टॉपिक में, क्लाइमेटोलॉजी में। फिलहाल समझना है कि यहाँ पे वायु दाब कम है, एक पेटी है भूमध्य रेखा की शांत पेटी डोल्ड्रम। सेकेंड नंबर है पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में। क्या बोलना है? 30 डिग्री से 35 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में दो पेटी है, ध्यान से देखिए। एक पेटी ये है, दूसरी पेटी ये है। 30 से 35 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में बोलना है ऊंच वायु दाब की पेटी। इसे अस अक्षांश बोलते हैं, अस अक्षांश। यहाँ पे ऊंच वायु दाब की पेटी है 30 से 35 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में। क्या बोलना है आपको? अस अक्षांश भी बोलते हैं, यह हाई प्रेशर बेल्ट है। यहाँ भी पवने नीचे लेगी क्षैतिज रूप से, तो दो और एक तीन, कुल मिला के तीन पेटी हो चुके। ये दो पेटी और बना लीजिए 60 से 65 डिग्री के बीच। पांच पांच डिग्री का अक्षांश का अंतर रख रहे हैं, क्योंकि 1-2 डिग्री पे वायुदाब नहीं मेजरमेंट करते हैं, ऑलमोस्ट 4 से 5 डिग्री अक्षांश का ही मेजरमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो पेटी बन गई, तो क्या हो गया? तीन, मतलब तीन तो इधर हो चुके थे, दो इधर हो चुके थे, कुल मिला के पांच पेटी हो चुके हैं। और ये कौन सी पेटी बनेगी? यहाँ पे लिखना है कम वायुदाब की पेटी। इसे भी शांत पेटी बोलते हैं, शांत पेटी। पेटी मतलब क्या? बक्सा, बॉक्स, जोन। तो 60 से 65 डिग्री कम वायु दाब का क्षेत्र है दोनों ही गोलार्धों में, कुल मिला के पांच पेटी हो गए। और अब एक और पेटी बच रहा है, वह है ध्रुवों पे ऊंच वायु दाब की पेटी। दोनों ध्रुव बोलेंगे 80 से 90 डिग्री 80 to 90, यहाँ पे ऊंच वायु दाब। दोनों ही गोलार्धों में, सीधा याद करना है, दोनों ही गोलार्धों में ध्रुवों पे, अर्थात दोनों ध्रुव प्रदेशों पे ऊंच वायु दाब रहते हैं। कारण क्या है? ग्रेविटेशन, और दूसरा है यहाँ पे टेम्परेचर, तापमान बहुत ही कम रहता है, वायु डेंस होती है। अब एक बार फिर से शुरू से चलते हैं। देखिए
जीरो से पांच डिग्री के बीच कम वायु दाब का क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री के बीच उच्च वायु दाब, फिर 60 से 65 डिग्री के बाद कम वायु दाब, फिर 80 से 90 डिग्री के बीच उच्च वायु दाब। अर्थात कम वायु दाब, उच्च वायु दाब, कम वायु दाब और उच्च वायु दाब, कम उच्च ऐसे करके बनाएंगे। कुल कितनी पेटी बन गई? एक पेटी, दो तीन पेटी, दो पांच और दो सात, सात पेटी है वायुदाब की। क्या बोलना है, वायुदाब की कितनी पेटी होगी? टोटल मिला के सात वायुदाब की पेटी होगी। अब कारण देखना होगा, ऐसा किस कारण से है? तो कारण मैं आपको क्या बताया, दो कारण से है, या तो टेम्परेचर कारण बन रहा है या तो पृथ्वी का घूर्णन कारण बन रहा है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, तो देखिए सबसे पहला नंबर पे क्या है आपका, भूमध्य रेखा निम्न वायु दाब की पेटी। तो फर्स्ट नंबर पे है भूमध्य रेखा पे निम्न वायु दाब की पेटी है। क्या कारण है, डायग्राम बनाना है आपको। इस सेक्शन में जीरो से पांच डिग्री के बीच कमजोर वायु दाब होने का पहला कारण यहां पे बोलेंगे, फर्स्ट रीजन कारण लिखेंगे आप, क्यों है कमजोर बोलना है। इस सेंटर पे जो जीरो से पांच डिग्री है तापमान अधिक है, क्या करना है, तापमान अधिक है। क्यों तापमान है, यहाँ पे सूर्य की किरण लंबत पड़ती है, सीधी पड़ती है। सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पे इस बेल्ट पे सीधी सीधी पड़ती है, तापमान अधिक होता है, 12 महीना यहाँ पे गर्मी रहती है, ठंडा होता ही नहीं है। ठंडा जो है चीज, ठंड नाम की चीज यहाँ पे नहीं होती है भूमध्य रेखा में, जीरो से पांच डिग्री उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में। तो तापमान अधिक है, दिखना है सूर्य की किरण सीधी तेजी लंबत पड़ती है, सीधी पड़ती है, तापमान अधिक होता है। सेकेंड कारण है, और तापमान वायुदाब में विलोम का संबंध है। जब तापमान अधिक रहेगा तो वायुदाब क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वायु गर्म होके हवा में उड़ जाती है। दूसरा नंबर पे यहाँ पे लिखना है जलवाष्प अधिक है, बादल हमेशा 12 महीना बादल मिलते हैं। जब भी बादल मिलेंगे आर्द्रता छाई रहती है, वर्षा होती है, हर दोपहर के बाद यहाँ वर्षा होती है। विशेष बेल्ट है, 12 महीना 365 दिन वर्षा होती है दोपहर के बाद। किस क्षेत्र में बोलेंगे, भूमध्य रेखा क्षेत्र में। इसी कारण से भूमध्य रेखा क्षेत्र में बहुत ही ऊंचे ऊंचे वृक्ष मिलते हैं। तो जलवाष्प से अधिक है, जलवाष्प क्या है, इसकी डेंसिटी कम होती है, अर्थात इसकी जो दाब है, प्रेशर है, भार है, वो कम रहता है। और कम भार के कारण क्या रहता है, तो वायु दाब कम हो जाते हैं। कारक में देखिएगा, वायु दाब का जो तापमान था, गुरुत्वाकर्षण है, जलवाष्प कारण है, विकेंद्र बल, यही कारण है। तो कारण सीधा दिखाई दे रहा है, तापमान अधिक है, जलवाष्प अधिक है। थर्ड नंबर पे लिखना है, यहाँ पे पृथ्वी का घूर्णन बहुत अधिक है। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी तीव्र गति से घूमती है भूमध्य रेखा पे, पृथ्वी का घूर्णन। अब जब पृथ्वी का घूर्णन अधिक है तो अब केंद्र बल अधिक होता है। तो पृथ्वी का घूर्णन अधिक है, अब केंद्र बल अधिक रहेगा, और वायु क्या है, इस बेल्ट से बाहर की ओर जाती है, और रिजल्ट रहता है कि यहाँ कम वायु दाब की क्षेत्र बनता है। उस क्षेत्र को विशेष नाम दिया गया है डोल्ड्रम। अब वायु कैसे है, वायु ऐसे नहीं चलती है क्षेत्रीय, लिखना है वायु का क्षेत्रीय मूवमेंट नहीं है, वायु का क्या वर्टिकल मूवमेंट रहता है ऊपर की ओर। यहाँ पे समान धारा बनते हैं, जैसे ही कोई वायु आती है क्षेत्र में क्या होती है, तापमान जो सतह है धरातल है उसका तापमान अधिक रहता है, वायु गर्म होकर ऊपर की ओर सीधा उड़ जाती है, क्योंकि वायु हल्की होती है, गर्म होने के वजह फैलती है, तो ये समान धारा बन जाता है। सेकेंड नंबर पे क्या था, 30 से 35 डिग्री वाला उच्च वायु दाब का बेल्ट, दोनों ही गोलार्धों में ये वाला बेल्ट है उच्च वायु दाब का क्षेत्र।
अब यहाँ पे उच्च वायु दाब क्यों है 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच, तो यहाँ पे उल्टा करना है। देखिए यहाँ से जो वायु उठ रही थी, ये वाली संबंध धारा भूमध्य रेखा की जो वायु उठ रही है 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे नीचे की ओर आती है, अर्थात वायु ऊपर उठेगी, वायु उठी 0 से 5 डिग्री के बीच, 30 से 35 डिग्री के बीच क्या होती है, वो नीचे आती है, क्योंकि वायु ऊपर उठती है, ऊपर उठने से ठंडा होती है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण, क्या लिखना है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण वह पृथ्वी घूम रही है, फलस्वरूप क्षैतिज रूप से या थोड़ा वर्टिकल कोण में बनाते हुए कायोलेसिस बल के कारण एक कोण बनाती है ऐसे करके वक्राकार रूप, और उतरती कहाँ है 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच वायु उतरती है। तो ये वाला जो बेल्ट है 30 से 35 डिग्री अक्षांश वाला, यहाँ पे वायु उतर रही है और वायु उतरती है तो क्या होता है, ऊंच वायु दाब का क्षेत्र बनता है, प्लस जो है ध्रुव क्षेत्र से भी वायु यहाँ पे आ जाती है। तो भूमध्य रेखा की तो वायु आ रही है, ध्रुव क्षेत्र से भी वायु आ रही है यहाँ पे और नीचे की उतर रही है, तो शांत पेटी बनता है, यहाँ भी ऊंच वायु दाब का क्षेत्र रहता है, इसे अस अक्षांश कहते हैं। क्यों कहते हैं अस अक्षांश, कारण क्या है अस अक्षांश कहने का, तो देखिए एक टाइम था जो यूरोप के निवासी थे वह घोड़ा अमेरिका ले जाते थे, ये मान लेता हूं यूरोप, यहां से घोड़ा चलता था अमेरिका, तो जहाज में भर के जाते थे घोड़ा, जैसे ही 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच पहुंचते थे जहाज, तो अचानक से जहाज का दाब भार क्या था बढ़ जाता था, तो घोड़े को क्या करते थे, ये जो यूरोप के ट्रेडर व्यापारी थे जो घोड़ा बेचते थे अमेरिका में, वह घोड़े को समुद्र में फेंक देते थे, अस मतलब घोड़ा, उसको समुद्र में फेंक देते थे ताकि जहाज का वजन कम हो जाए। तो मध्य काल में ऐसा ट्रेड चल रहा था, इसी कारण से इस अक्षांश को ऊंच वायु दाब कहा गया। कारण है कि उन्हें लगता था कि यहाँ पे कोई शैतानी ताकत है, उस समय तो विश्वास क्या था, अंधविश्वास ज्यादा थे, बाद में पता चला कि ऐसा कारण नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली में ऊंच वायु दाब का क्षेत्र है। तो नाम अस अक्षांश उसी समय से पड़ गया था, मध्यकाल में ही जो ट्रेडर थे जो घोड़े का व्यापार करते थे उन्होंने दे दिया था। तो ये हो गए दो, कुल मिला के 3 पेटी हुए और 2 हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम उद्ध्रुव में निम्न वायु दाब की पेटी, उपध्रुव में निम्न वायु दाब की पेटी कौन सी पेटी है, वह 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच, थर्ड नंबर पे 60 से 65 डिग्री अक्षांश है, यहां पे लिखेंगे निम्न वायु दाब की पेटी। और निम्न वायु दाब में कौन सी है, बोलेंगे उपध्रुव, ध्रुव के जस्ट मतलब इसके ऊपर ध्रुव वाला बेल्ट आ जाता है, इसके नीचे उपध्रुव वाला क्षेत्र है, तो निम्न वायु दाब की पेटी है। यहाँ पे निम्न वायु दाब की पेटी क्यों है, तो देखिए मेजर कारण होता है पृथ्वी का घूर्णन, कि पृथ्वी घूर्णन करती है यहाँ भी वायु बाहर की ओर जाती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस क्षेत्र से क्या है वायु बाहर की ओर जाती है, तो कम वायु दाब रहता है, वायु नहीं बसती है। सेकेंड जो मोस्ट मेजर कारण है, इसमें मेजर कारण में आपको बोलना है कि ये जो अक्षांश दिखाई दे रहा है यहाँ पे गर्म जल धाराएं बहती है, क्या बोलना है आपको, यहाँ पे गर्म समुद्री जल धारा, अगर आप नॉर्वे चले जाएं, आइसलैंड ब्रिटेन जैसी कंट्री में, कहाँ पे जाना है 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच आइसलैंड में, तो ये गर्म जल धारा बह रही है गल्फ स्ट्रीम, समुद्री हवाएं हैं, सॉरी समुद्री जल धारा हैं गल्फ स्ट्रीम, तो ये कैसे चल रही है, अमेरिका के कोस्ट से यूरोप की ओर जा रही है और ये गर्म है, जैसे ही तट के पास पहुंचती है यूरोप में, पूरा तट को, ये जो तट है इसको गर्म कर देती है, तो तट जैसे गर्म होता है तार भूमि जो गर्म होता है, धीरे धीरे भूमि से लगने वाली वायु गर्म हो जाती है, तो वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, फलस्वरूप 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच यहाँ पे कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है।
तो मेजर कारण क्या बोल रहे हैं, समुद्री गर्म जल धाराएं बहती है क्षेत्र में, फलस्वरूप वायु दाब कम होते हैं। अब जो लास्ट बच रहा है, दो पेटी ये हो गए आपके, पांच पेटी यहां बोल रहे हैं 80 से 90 डिग्री के बीच दोनों ही गोलार्धों में उच्च ध्रुव वायु दाब पेटी। ये ध्रुव की उच्च वायुदाब की पेटी या उच्च ध्रुव वायुदाब पेटी, जैसे नाम बोलना है बोल दीजिए, दोनों ही ध्रुवों के पास। ध्रुव क्या होते हैं तो बोलेंगे 80 डिग्री के ऊपर वाला क्षेत्र जो है ध्रुव, एग्जैक्ट नॉर्थ पोल साउथ पोल तो ओनली बिंदी है, डॉट है, तो ध्रुव को 80 डिग्री के बाद ही बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कारण क्या उच्च वायुदाब का, गुरुत्वाकर्षण फर्स्ट नंबर पे, पता है हमें ध्रुव जो है पृथ्वी के सेंटर के नजदीक है, फलस्वरूप ग्रेविटेशन दोनों ही ध्रुवों में अधिक है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक रहेंगे तो वायुदाब अधिक रहेगा, तो दोनों ध्रुवों में वायुदाब अधिक होने के कारण है गुरुत्वाकर्षण। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे तापमान बहुत ही कम है, तो तापमान क्या है दोनों ध्रुवों पे कम है, जब भी तापमान कम रहता है तो वायुदाब क्या रहता है अधिक हो जाता है, तापमान तो हमेशा माइनस के नीचे रहता है, फलस्वरूप जो वायु रहती है वो डेंस होती है, कंप्रेस होती है, अधिक वायुदाब रहता है। तो ये हो गए टोटल मिला के 7 पेटी वायुदाब का डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अच्छे से दिखेगा। वीडियो पॉज करके कोशिश करिए डायग्राम के साथ जियोग्राफी को बनाया जाए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बने रहिए टू डू आई एस में।